पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ी नवाफ बिन सईद अल मालकी पाकिस्तान के दिल मोह लेने वाले मनाजिर दिखाते और जायकादार पकवानों और दीगर मुस्बित पहलुओं को सोशल मीडिया पर सामने लाते रहते हैं। अब की बार उन्होंने पाकिस्तान में पैदा होने वाले फल आम की तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। नवाफ बिन सईद अल मालकी ने फलों के बादशाह आम की पैदावार, इकसाम और जायके के हवाले से पाकिस्तानी आम को बेहतरीन करार दिया। सऊदी सफ़ी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आम की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, पाकिस्तान अपने आमों के लिए मशहूर है क्योंकि इस वक्त यहाँ आमों की 100 से ज़्यादा इकसाम पैदा होती हैं। क्या आप इन इकसाम के बारे में जानते हैं? आमों और इनकी मुख्तलिफ इकसाम की तस्वीर मेरे साथ शेयर करें। बस उनके इतने लिखने की देर थी कि पाकिस्तानी ट्विटर सारफीन ने आमों की मुख्तलिफ इकसाम और खूबियों से मुतलिक कमेंट्स भी भर दिए। एक सारिफ अहमद जान मोहम्मद ने आम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, चौंसा आम पूरी दुनिया में बरामद होता है। ये आम असल में रहीम यार खान और मुल्तान में काश्त किया जाता है, लेकिन इसकी अलामत यह है कि इसका मौजूदा नाम शेर शाह सूरी ने दिया था। जब इसने हिंदुस्तान के बहार के एक ज़िला चौंसा में मुग़ल बादशाह हमायूं को शिकस्त देने के बाद इसका नाम शेर शाह सूरी दिया था। ये आम सूरी सल्तनत के बानी का पसंदीदा था। चौंसा भी पूरी दुनिया में आमों की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली इकसाम है, क्योंकि ये गैर मामूली मीठा और रसीला है, जबकि और से बहुत से सारफीन ने आमों की मुख्तलिफ इकसाम को गिनवाया।